हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे रेड टेम्पटेशन ब्राउनी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए मैंने लिया है 30 ग्राम बटर, इसमें हम डालेंगे 45 ग्राम वाइट चॉकलेट। इन दोनों को हम मेल्ट कर लेंगे। हमने चॉकलेट एंड बटर को मेल्ट कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे 80 ग्राम मिल्क मेड और 25 ग्राम हम डाल देंगे पानी। इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। हम लेंगे 50 ग्राम मैदा, पिंच हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून हम डालेंगे कोको पाउडर। इन्हें हम छान लेंगे। इसमें हम डाल देंगे रेड पाउडर कलर। इन सबको हम मिक्स करेंगे। ये हमारी रेड टेम्पटेशन की फर्स्ट लेयर का बैटर तैयार हो गया है। ये मैंने लिया एक बेकिंग ट्रे, इसमें बटर पेपर लगा ली है। इसमें हम इसे डालकर इसे हम प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रेड टेम्पटेशन ब्राउन की सेकेंड लेयर। उसके लिए मैंने लिया 30 ग्राम बटर और 45 ग्राम मैंने लिया डार्क चॉकलेट। इनको हम मेल्ट कर लेंगे। हमारा बटर और चॉकलेट मेल्ट हो गया है। इसमें हम डाल लेंगे 80 ग्राम मिल्क मेड ट्वेंटी ग्राम हम डाल देंगे पानी। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। 50 ग्राम लिया है हमने मैदा, 1/8 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। रेड टेम्पटेशन ब्राउनी की फर्स्ट लेयर बेक हो गई है। अब हम इस पर डाल देंगे अपनी सेकेंड लेयर। इसे भी हम 170 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रेड टेम्पटेशन ब्राउनी की थर्ड लेयर। उसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम चॉकलेट। उसमें डालेंगे 2-3 टेबलस्पून दूध और अपने चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेंगे। हमारी वाइट चॉकलेट गनाश बन गया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हमारी रेड टेम्पटेशन ब्राउनी बेक हो गई है। ठंडा होने पे हम इस पर वाइट चॉकलेट गनाश डालेंगे। हमारी ब्राउनी ठंडी हो गई है। अब हम अपना गनाश इसके ऊपर डाल देंगे। और इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे। सेट होने के बाद हम इसे निकाल कर पैक कर देंगे। हमारी ब्राउनी सेट हो गई है। हम इसे काट कर देखेंगे। हमारी रेड वेलवेट टेम्पटेशन ब्राउनी देखिए बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर